अविनाश जैसा कि आपको पता है कि घर पे नहीं है, और मैंने उस चीज का फायदा उठाते हुए आधा घंटा एक्स्ट्रा सोई हूँ। और जैसे अविनाश का फोन आया, मैंने इतनी एनर्जेटिक बात करी कि उसने सीधा ही पकड़ लिया कि मैं सो रही थी। बेबी को हम लोग इग्नोर करते हुए आज का व्लॉग शुरू करेंगे, तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ आज का व्लॉग हैप्पी व्लॉग शूट करने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए हैं आई थिंक 12:15। और मैं एकदम तैयार हूँ, बच्चे एकदम तैयार हैं कुराफात मचाने के लिए, और अविनाश जैसा कि आपको पता है कि घर पे नहीं है, और मैंने उस चीज का फायदा उठाते हुए आधा घंटा एक्स्ट्रा सोई हूँ। और जैसे ही अविनाश का फोन आया, मैंने इतनी एनर्जेटिक बात करी कि उसने सीधा ही पकड़ लिया कि मैं सो रही थी। मेरे को उसको बताना नहीं था कि मैं सो रही हूँ। एनीवे मैं तैयार हूँ क्योंकि आज चुन का सेकेंड वैक्सीनेशन है, उसको लेके जाना है। ये एक और बहुत बड़ा कार्य है जिसको सिद्ध करना हमारी उसमें तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। वो किस में नहीं है आप खुद सोचो। ये रही मेरी चैरिटी, बाबा खेलना चाहता है बॉल के साथ। ये आए सारे के सारे, ये देखो कैंडी भी फ्रेम में आ गई, वो मेरी छोटी भी फ्रेम में आ गई, और ये मेरा कुकड़ा बुजुर्ग राजकुमार यहाँ पे बैठा है मम्मा के पास। वैसे मैं इनके पास ही बैठी हुई थी ब्लॉग शुरू करने से पहले, और बन रही है मेरी चाय। कभी कभी ना अच्छा भी लगता है ये लोग घर पे ना हो, मतलब जरूरी नहीं है कि घर पे आपके सर पे कोई ना कोई ये बोलना चाहिए कि अरे क्यों नहीं करा बेबी, वो क्यों नहीं करा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दैट शिट। सो बेबी को हम लोग क्या करते हुए इग्नोर करते हुए आज का व्लॉग शुरू करेंगे, तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ आज का व्लॉग हैप्पी व्लॉग शूट करने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। जाना कहीं भी नहीं है अभी, चाय ही पीनी है घर पे। चाय पियेंगे दोस्तों, उसके बाद क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ, लिपस्टिक लगानी बाकी है, लिपस्टिक लगा लूंगी, और उसके बाद अपन लोग भूते लोगों को लेके निकलेगा, और दोस्त को बुला लिया है, दोस्त के साथ बैठ के चाय पिएंगे अपन लोग, और उसके बाद चलेंगे गाड़ी में क्योंकि व्लॉग भी तो शूट होना है ना। चलिए दोस्तों। अरे आओ, पहले से तैयार हो गए। वो देखो कैंडी की चेन लेके कैंडी को बुला रही है। देखो देखो क्या हो रहा है। चलो चुनचुन लेके जाएगा कैंडी को। हाँ, डरना नहीं है मम्मा, तो ये कुछ हाथ में है, डरना किस बात की? डर गई है, बाहर नहीं जाती ना ये, डर गई है। हाँ मेरा बच्चा गुड़िया, आज तो इंजेक्शन लगेगा, तो कल तो पापा भी आ जाएंगे, खारी बुखारी होगा पापा आ जाएंगे, लिपस्टिक भी लग गई मम्मा की। चल अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसे वाले जो होते हैं ना अच्छे बच्चे होते हैं। नहीं, रो रही है, रो क्यों रही है, लेकिन रो क्यों रही है, क्या हुआ? ये नहीं हैंडल होगी गाड़ी, अब गाड़ी नहीं लेके जा रही, मैं रिक्शा में ही जा रही हूँ, रिक्शा में ज्यादा बेटर रहेगा। भैया रिक्शा बुला दो। मम्मा यही है, मम्मा यही है, बाहर की दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, हमें मम्मा के पास रहना। ये बच्चे को क्या हो गया? पूछ रही है कि नहीं पूछ रहा है बच्चा? कोई पूछ रहा है तेरे को? हाँ हाँ बहुत, ये तो छोड़ती नहीं है इसको, खाना वाना सब खाती है।
उसके बाद दूध भी चाहिए। दूध इज राइट नाउ इट्स नॉट अ न्यूट्रिशन, इट्स जस्ट एन इमोशनल सपोर्ट एंड दैट मदर कैन गिव इट इन अ वेरियस वे, नॉट नेसेसरीली। अभी इसका क्या करें, बच्चे का क्या, बच्चे को सुई लगेगी और क्या हो सकता है। शी इज ग्रोइंग वेरी वेल, एब्सोल्युटली। आज कितना वजन है पता नहीं, अभी कह रहा नहीं है वो, अभी बुखार हो गया उसको, तो गर्म देख रही हो आपके पास आने से ही बुखार हो गया उसको। तो क्या हो रहा है अपने साथ, आज अपने को इंजेक्शन लगने वाला है, बताया आपको, उससे बोला होगा उसने आज इंजेक्शन लगने हैं। घूमने घूमने जा रहे हैं ना उसके बाद हमें। This is the way you should always carry a dog. You're cupping the chest. ये ऐसा बैठेगा तो एक आराम से बैठ जाता है, but this is the normal way. Doctor, she is महाबदमाश. What to do? महाबदमाश मतलब महा। I'm smart. I'm a 22 kid. So, तो स्मार्ट होनी चाहिए उसको। 22 किड, अरे आजकल नहीं जंगल से ही बच्चे इन इनके साथ ही वही होता है। देखे जरा कितने की है, कितना वेट है, आधा किलो ही है अभी तक, आधा किलो है। इधर जाने वाली, तेरे को कोई अभी लेने वाला नहीं है, इधर तो कोई नहीं है तेरे को लेने वाला। ठीक है डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, मैं तब से जानती हूँ जब एक छोटे से गैराज में इतना ही था डॉक्टर, है ना, इतना इससे बड़ी संभावना संभावना भी नहीं थी। संभावना कुछ भी नहीं हुआ, वो चिंचा के लग भी गया, चिंचा कुछ भी नहीं हुआ। देखो रोई भी नहीं है। हाँ जाने का भागने का, पहले अपने को जरा देख लेता है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। किस कौन पेड़ा? ओके फॉर कैंडी डॉक्टर, क्या कर रहा है? कैंडी के लिए मैं दवाई लिख के देता हूँ, मेरे को कुछ कर देखना है। एक और देना अभी, ये लग गया इसको क्या डॉक्टर? अभी डिस्टेंपर का बूस्टर डोज है। अभी पूछ रही हूँ डॉक्टर से कि जो इतने टिक्स जैसे आ जाते हैं, क्योंकि चुनचुन छोटी है तो टिक्स कहीं से भी आ सकते हैं घर में, उसका करना क्या है, इलाज क्या करना है? तो डॉक्टर का कहना क्या है? टिक्स तो घर पे मल्टीप्लाई होते हैं बेसिकली, जस्ट इमेजिन द डॉग इज लाइक अ डाइनिंग टेबल फॉर देम। अगर टिक्स नहीं होंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, अगर आपको दिख रहे हैं टिक्स सुबह तो घर में है। एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस आर ऑल क्रैक्स एंड क्रेविसेस। हमारे जो फर्नीचर, बेड, अपहोल्स्टरी, कबर्ड, कबर्ड के पीछे नीचे वाले ड्रॉअर जहाँ कपड़े टूसे है, बेड के नीचे लोग जो एक्स्ट्रा शीट्स रखते हैं, जो बहुत कम बार हिलती है, वो एक्चुअली वो डीप क्लीनिंग होना चाहिए। ठीक है, बट मीनवाइल इनको वो वाली जो मेडिसिन थी, Lovecto is a single tablet which single tablet जो आती है। You can, you have got an option now. कब कब दे सकते हैं? इसको कब दे सकते हैं? आप दोनों को दे सकते हो। चेरी को भी दे सकते हो। कोको को? तीनों को दे सकते हो। कोको को आप दे नहीं सकते क्योंकि he is too old। इसका कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लेना है? अभी तो लेने की जरूरत नहीं हमको क्योंकि she is lactating so her enzymes are high। ये ना कुछ डॉक्टर, ऐसे ऐसे कान ना ऐसे ऐसे झटक रही है बार बार। So what is that? कान के अंदर तो कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ कान के अंदर तो नहीं कुछ किया, क्योंकि हम लोग ऑफलेट देख रहे हैं बहुत कान एकदम से झटकती है, जैसे कुछ हो कान में। कई बार सेंसिटाइजेशन होने से होता है, मतलब इफ यू सी दैट योर हैंड एज इट गोज यू बिफोर यू टच शी फ्लिकरिंग हर ईयर्स। कुछ नहीं है, ठीक है। सो वी आर सॉर्टेड। इसकी दवाई आज से शुरू कर दूं? यस, वन टैबलेट, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को हनी के साथ दे दो। कितने दिन के लिए देना है डॉक्टर? लम्स जैसे कम होते जाएंगे ठीक है, पर वी आर अवॉइडिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है चिंची, इसको बुखार आएगा डॉक्टर? बुखार लास्ट टाइम तो नहीं था। आज मैं इसको रिक्शा में लेके आई हूँ, मैंने कहा गाड़ी में ये हैंडल नहीं होगी। क्यों? रिक्शा में ही इतना रो रही थी। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं चला रिक्शा में, थोड़ा सा प्रॉब्लम पोल्यूशन का रहता है, इतनी सब मन्नी मैंने छुपाया हुआ था। मम्मा आज भी है, किसी को कुछ नहीं होने देगी मम्मा। तो जी फाइनली इसका वैक्सीनेशन हो गया है, शी इज सेफ टू ट्रैवल, और अब हम थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो देखते जाइए आप मामला से एंटरटेन, इसका मतलब ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चल रहा है ब्लॉग। मुझे लगता है कि मैंने काफी मेहनत करी है और मैं एक टॉफी डिजर्व करती हूँ। कुछ लाइफ में हो ना हो, आप कितनी भी दिक्कत में हो, लेकिन एक चीज जो आपको खुशी दे सके वो आप जरूर करो, उस दिन आपका टफेस्ट डे हो। टफेस्ट डे है आई एम गोना हैव माय कॉफी। चल चल भाई, हम घर जाएंगे। क्योंकि अभी तो एकदम से तो बाहर नहीं जाना है, बाहर जाऊंगी तो वो पहन सकती हूँ दोबारा, पर अभी के लिए ऐसे कंफर्टेबल। आओ छन्ना खाना खाएंगे।
चलू जी दवाई पियेंगे, दवाई गुड गुड। तो मैं आपको बता दूं जी, रात का टाइम तो हो चुका है, चेरी को दवाई वाई दी है, कैंडी की आज से ही मैं दवाई शुरू कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ आप लोगों को, आज से ही अभी से खाना खा के दवाई शुरू होगी। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो छोटी है छुनछुन, उसको मुझे लग रहा है कि फीवर सा आया हुआ है, मतलब रो रही है, जब मैं उसको थोड़ा हाथ लगा रही हूँ वहाँ पे ना तो रो रही है। मैं मिलवाती हूँ आपसे। मामा देखो देखो कैसे हो रही है जी, मेरा बाबा। हाँ हाँ जी, मिल बेटू, छोटा बेटू मेरा, कहा हुआ मिल बेटे को। अरे कैंडी क्या कर रही है, ऐसे नहीं करते, ये ऐसा थोड़ी मैं आप ही को प्यार करूंगी, उसको नहीं करूंगी बेटा, उसको देखना है ना। मुझे बता रही है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है बेटा, सब समझ में आ रहा है, मेरा बच्चा मेरी राजकुमारी, गॉड ब्लेस यू माय बाबा। आप देख रहे हो मुझे कैसे बताने की कोशिश कर रही है, ये नॉर्मल प्यार नहीं कर रही, ये नॉर्मल प्यार नहीं है, मुझे पता है तबीयत ठीक नहीं है ना, दर्द हो रहा है। चलो मैं खाना भी खिलाती हूँ आपको, चलो मेरी गुड़िया। तो जी रात हो गई है, सब अपने अपनी जगह पे अब सोने के लिए तैयार है, मैं आपको मिलवा देती हूँ लास्ट। अभी थोड़ी सी मेरी चुटकी बेटर लग रही है मुझे, ये मेरी चुटकी, छोटा सा बेबी मेरा, ये मेरा छोटू बैठा हुआ, थोड़ा सा खेला भी है, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ा क्योंकि दर्द तो है थोड़ा सा। ये मम्मी साथ में ही है उसकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रही मेरी चेरू जो कि बॉल खेलनी है, और मुझे अब कुछ भी नहीं खेलना है। तो मैं अब आपको मिलूंगी कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अविनाश नहीं है तो क्या हुआ, उसकी कमी तो पूरी करेंगे ना, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि अविनाश नहीं है तो अब तो क्या होगा ब्लॉग का। आई विल डू इट, यू सी इट, यू वॉच इट, गो फॉर इट। कौन आया रात को, इतनी रात को कौन आ गया घर पे।